मुरादाबाद में भारत विकास परिषद मैत्री शाखा द्वारा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान करने के साथ विद्यालय के गुरुजनों को भी सम्मानित किया जा रहा है। इस वर्ष गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में शहर मुरादाबाद के एक दर्जन से अधिक विद्यालय शामिल हुए। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित कराया गया। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद मैत्री शाखा के अध्यक्ष संजय धवल, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष विनय मित्तल, कमल अरोड़ा, अनूप मेहरोत्रा, प्रधानाचार्य अरुण कुमार शुक्ला, उप प्रधानाचार्य राजीव ढल की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान कक्षा 6 से 12 तक के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के 2 टीचर्स को भी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया गया और उन्हें भी सम्मानित किया गया। साथ ही भारत विकास परिषद के अध्यक्ष संजय धवल ने कहा कि हमारी परिषद हमेशा देश और समाज के प्रति बच्चों को समर्पित रहने के लिए काम करती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चे भारत देश को मजबूत करने के लिए अपना भरपूर योगदान दे। इसी उद्देश्य को लेकर हर वर्ष उत्साह के साथ गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कार्यक्रम में राजीव ढल ने सुझाव दिया कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को भी अगले वर्ष से अवश्य सम्मानित करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेजर राजीव ढल ने कहा कि आज हमें बहुत खुशी है, ये भारत विकास परिषद मैत्री शाखा के सभी पदाधिकारी हमारे विद्यालय पहुँचे हैं और बच्चों को सम्मानित करने के साथ शिक्षकों का भी अभिनंदन कर रहे हैं। भारत विकास परिषद मैत्री शाखा द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। छात्र अभिनंदन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय के मुरादाबाद में लगभग प्रत्येक विद्यालय में आपके कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। उसमें 2 शिक्षकों को और कक्षा 6 से 12 तक के जितने भी छात्र होंगे, हर कक्षा से एक एक छात्र को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाता है। तो मैं भारत विकास परिषद के श्री विनय मित्तल जी, जो पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करता हूं। साथ में श्री संजय धवन जी अध्यक्ष, श्री कमल अरोड़ा जी, श्री अनूप मेहरोत्रा जी, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है सर विद्यालय परिसर में। प्रधानाचार्य अरुण कुमार शुक्ला ने भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि लगातार वो सभी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों और शिक्षकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। भारत विकास परिषद भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसके लिए उन्हें बधाई है। ये जो संस्था है समाज के लिए कार्य कर रही है, समाज के शिक्षकों को प्रेरित करने का, समाज के छात्रों को प्रेरित करने का एवं समाज के अन्य नागरिकों को भी प्रेरित करने का कार्य करती है। अभी आपने देखा कि इसका जो शपथ है, शपथ में कौन कौन सी बातें हैं, नशा नहीं करना है, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना है, इसमें स्वच्छता भी कहीं ना कहीं छिपी हुई है। तो जो समाज को एक अच्छा बनाने का कार्य करता है, जो भी चीजें वो इस संस्था के द्वारा की जा रही है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जिन अध्यापक अध्यापिका एवं छात्रों को सम्मानित किया गया, उनका चयन कैसे हुआ, क्योंकि मन में आ रहा होगा कि चयन क्या रेंडम हुआ, नहीं। जो कक्षा 5 में सबसे अधिक अंक पाया था, इस समय वर्तमान में कक्षा 6 में है, उसका चयन किया गया। इसी तरह कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 जो भी है, जो अपनी पूर्व की कक्षा में सर्वाधिक अंक पाया, उसे सम्मानित करने का निर्णय यहाँ विद्यालय तंत्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष संजय धवल ने सभी को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों को देश और समाज के प्रति समर्पित रहने के लिए संदेश दें और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। मैं शपथ लेता हूँ, मैं हमेशा अपने माता पिता, गुरु तथा महिलाओं और बड़ों का सम्मान करूंगा। राष्ट्रीय संस्कृति, परंपराओं, नैतिक मूल्यों एवं नागरिक अधिकारों और अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए अपने कार्य का पालन करूंगा। मैं कभी धूमपान एवं अन्य किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। भारत माता की, भारत माता की।
जाता है। और मुझे भी, मैं पिछले काफी दिनों से गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का ये आयोजन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी भी पहली पसंद यही स्कूल है कि यहाँ आकर, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इसी स्कूल में, यहाँ तो नहीं पढ़ा हूँ लेकिन मैं चंदौसी में पढ़ा हूँ, ऐसे इंटर कॉलेज में, लेकिन मुझे वही सुबह याद आती थी जैसे आज आप सुबह यहाँ आए। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत विकास परिषद का उद्देश्य क्या है। भारत विकास परिषद का उद्देश्य है कि आप जैसे टैलेंटेड बच्चों को, जो कि पूरे साल मेहनत करते हैं, उनको इस मंच से सम्मानित करने का। हम लोग हर साल आते हैं और आपको, आज हमने एक एक बच्चे को यहाँ पर हर क्लास से चयन करके सम्मानित किया है। आपको सूचना दे रहे हैं, अगले साल से हम दो दो बच्चों को सम्मानित करेंगे, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हर क्लास के दो दो बच्चों का चयन करके उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन भारत विकास परिषद ये चाहता है कि आप सब बच्चे देश के बहुत जिम्मेदार नागरिक बने, लेकिन वो नागरिक बनने के लिए हमारे बैनर पे देखिए ऊपर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, सेवा है, समर्पण है, सहयोग है, इन सबके माध्यम से हम खुद तो अच्छे बनेंगे लेकिन हम दूसरों के भी सहयोगी बनेंगे। आज भारत इतना विकासशील देश है तो इसीलिए है क्योंकि हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि जिन बच्चों के नाम इस लिस्ट में इस बार नहीं आए हैं, हमें यहाँ से शपथ लेके जाना है कि हम एक अच्छा नागरिक बनेंगे और अगली बार हम इस लिस्ट में आएंगे और इस मंच से भारत विकास परिषद के मेडल और सर्टिफिकेट को प्राप्त करेंगे। ऐसा आपका मन है या नहीं?